बनारस रेल इंजन कारखाना के न्यू लोको टेस्ट शॉप में आज जनरल मैनेजर वासुदेव पांडा ने फूलों से सजे वरेका निर्मित 10,000वें लोको WAP-7 को विधिवत पूजा के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर एस के श्रीवास्तव, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक रजनीश गुप्ता, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर शिशिर दत्त, प्रधान वित्त सलाहकार नीरज वर्मा समेत रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बनारस रेल इंजन कारखाना के GM वासुदेव पांडा ने बधाई देते हुए कहा कि यह कीर्तिमान वरेका यानी बनारस रेल इंजन कारखाना के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत और कार्यकुशलता का परिणाम है। आपको बता दें कि बनारस रेल इंजन कारखाना, जिसे पहले डीजल रेल इंजन कारखाना के नाम से जाना जाता था, इस कारखाने ने ALCO लोको तकनीक पर आधारित पहला लोकोमोटिव तैयार करके अपनी यात्रा शुरू कर न केवल रेल इंजनों के उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित किया है बल्कि रेल इंजनों की अश्व शक्ति में वृद्धि के साथ ही नई तकनीक का भी विकास किया है। बताते चले कि साल 2017 से वरेका ने विद्युत लोको का निर्माण शुरू किया था। वर्तमान में वरेका रेलवे में यात्री सेवा के लिए WAP-7 और मालवाहक के लिए WAG-9 इंजनों के निर्माण कर रहा है। साथ ही वरेका गैर रेलवे ग्राहकों और निर्यात के लिए भी रेल इंजन का उत्पादन कर रहा है। अब तक वरेका 1,687 विद्युत लोकोमोटिव, 7,498 डीजल लोकोमोटिव, 1,072 निर्यातित लोकोमोटिव, गैर रेलवे ग्राहकों के लिए 634 लोकोमोटिव, 1 यानी डीजल और लाइट मोड लोकोमोटिव, 8 डीजल से इलेक्ट्रॉनिक में परिवर्तित लोकोमोटिव का निर्माण कर चुका है। 11-12 देश को जा चुका है, बांग्लादेश है, मोजाम्बिक, श्रीलंका, बहुत सारे देशों को जा चुका है। इस बार कितने लोकोमोटिव बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इस बार 460 लोकोमोटिव बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, वो हम लोग कर पाएंगे। अगर बात करें 10,000 लोकोमोटिव हुआ है, अभी इसमें कितने डीजल थे और कितने आपका विद्युत का हो? सारे विद्युत नहीं, 10,000 जो लोकोमोटिव है उसमें से करीब 1,700 है इलेक्ट्रिक और बाकी 8,300 डीजल के थे। नहीं, फॉग सेफ डिवाइस एक अलग इंस्ट्रूमेंट है जो कि लोकोमोटिव में हमारे जो क्रू जाते हैं, जो ड्राइवर जाते हैं, वो लेके साथ में उस लोकोमोटिव में जाते हैं। उससे उनको जो जो सिग्नल है उस सिग्नल का लोकेशन GPS के थ्रू पता चल जाता है कि ये सिग्नल आने वाला है, तो वो सतर्क हो जाते हैं, जबकि सिग्नल दिखता नहीं है फॉग में, बल्कि वो उसके थ्रू उनको जानकारी हो जाता है कि ये सिग्नल आने वाला है, तो उसके हिसाब से वो केयरफुल हो जाते हैं और अकॉर्डिंगली उनको ब्रेक लगाना है या जो भी करना है वो कर पाते हैं। अच्छा, जो अभी आज इसका अभी आपने लॉन्चिंग किया, उसका उसमें क्या विशेष होगा? सुरक्षा की बात करें तो क्या कुछ विशेषताएं उसमें है? इसमें हम लोग RTIS करके एक टेक्नोलॉजी है उसको लगाए हैं, वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं RTIS, वो GPS के बेस पे आधारित है। और उसमें क्या है कि ये लोकोमोटिव कहाँ पे चल रहा है उसका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो डिविजनल कंट्रोल होता है, जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वहाँ पे चला जाएगा, तो उसे उनको ट्रेन कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पे है वो पता चल जाता है।